हनुमानगढ़ से है, जहां क्षेत्र के गांव प्रेमपुरा के युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में कई नए पहलू सामने आए हैं। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक नाबालिग को पकड़ा गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जांच में प्रेम प्रसंग के कारण युवक की हत्या करने का पता चला है। इस मामले पर हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या के मामले में आरोपी मुकेश पुत्र हेतराम, उसका भाई दिलीप, सिकंदर पुत्र कालूराम निवासी वार्ड नंबर 6 प्रेमपुरा पीलीबंगा व हंसराज पुत्र काशीराम निवासी वार्ड नंबर 8 सरदारपुरा बीका सदर सूरतगढ़ श्री गंगानगर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 17 वर्ष के नाबालिग को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ ही फरार साथियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि मृतक जगदीश ने अपने पड़ोस में रहने वाली और परिवार की 28 साल की महिला से पिछले करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के कारण जगदीश का अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता है, जिसके कारण करीब 20 दिन पहले ही उसका तलाक हुआ था। प्रेमिका भी अपने पति मुकेश से नहीं बनती है, जिसके कारण वह पति से अलग सूरतगढ़ में रहती थी। घटना के दिन गुरुवार दोपहर भी जगदीश अपनी प्रेमिका से मिलने सूरतगढ़ गया था। वापस लौटते समय प्रेमिका के पति के जगदीश को रास्ते में रोक लिया। बातचीत करते हुए बाइक पर बैठाकर अपने साथ सूरतगढ़ फॉर्म लेकर पहुंचा, जहां सुनसान जगह पर अन्य साथियों के साथ मिलकर जगदीश से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद जगदीश के शव को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। जा रही है, अनुसंधान जारी है और मुझे लगता है कि अभी इस घटना में 2 से लेकर 4 तक व्यक्ति और हो सकते हैं, तो उनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। अब तक जो व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं उनमें कोई भी सभी जो है ओड जाति से संबंधित लोग हैं। अभी FIR में नामजद लिए गए हैं, उनमें से एक तो महिला जिनके उनको भी नामजद किया गया है, लेकिन अब तक के अनुसंधान जारी है। जो भी अनुसंधान में रोल आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब तक इसके बारे में, क्योंकि जब तक वो लोग मिल नहीं जाते हैं, सभी लोगों की पहचान नहीं हो जाती है, कहना मुश्किल है। जो अब तक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कोई भी नाबालिग कितने हैं मैडम? 11 जी, मैं फिर वही कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं, लेकिन उनकी उम्र, उनका पता, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है। निश्चित रूप से अभी तक जो बात सामने आई है, हमने जिनको अरेस्ट किया है वो मारपीट करने वाले लोग थे, तो जिसने वीडियो बनाया इन लोगों का वो भी इस घटना का आरोपी है और पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हम उसको भी कानून के दायरे में लेकर आएँ। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोगों को हमने कल दोपहर के बाद बज्जू क्षेत्र से दस्तयाब किया, जो हमें इनपुट मिले उसको शेयर किया गया वहाँ पे और उनको हमने दस्तयाब किया। एक को अनूपगढ़ क्षेत्र से दस्तयाब किया, एक को जैतसर क्षेत्र से दस्तयाब किया और एक पीलीबंगा क्षेत्र में। तो अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस ने पिछले लगभग 48 घंटे से पुलिस टीम लगातार लगी हुई थी। घटना बहुत संगीन थी और ये जानकारी में आया है कि इस प्रकार की मारपीट के बारे में लोगों में काफ़ी आक्रोश भी हो सकता है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो हमने इसको बहुत ही त्वरित गति से संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज होने से पहले ही, जैसे ही जानकारी में आया, कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके बाद मारपीट करने वाले अन्य लोगों को भी पुलिस ने राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। जो बातचीत अब तक सामने आई है वो यही है कि महिला और जो मृतक हैं उनके आपसी संबंधों की वजह से मृतक के भी पारिवारिक कलह और उसके संबंध में एक केस पुलिस थाना पीलीबंगा क्षेत्र में दर्ज हुआ और महिला द्वारा भी अपने